हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 3.5 पूरी हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और यहाँ तक पूरी प्रश्नावली जो है इस वीडियो में हल करेंगे। और 3.4 और 3.3 अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब एक के अलावा कोई और हल नहीं है। मान लो एक्स का मान एक है और वाई का मान दो आया है, तो इनके अलावा और कोई मान नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही मान होगा। या पहला तो हो गया एक अद्वितीय हल, दूसरा है जिसका कोई हल नहीं है, या तो कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीन कंडीशन दी हुई हैं। अब इन समीकरणों को हमें चेक करना है और बताना है। और अगर अद्वितीय हल आता है आपका आंसर, अगर ये आएगा पहला अद्वितीय हल की स्थिति में, तो उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। अब वज्रगुणन विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसके लिए तीन कंडीशन होती हैं। यह अगर ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, तो आपको ये लिखना है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और इतना लिख के आपको आगे वज्रगुणन विधि से हल करना है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आपको फिर आगे हल नहीं करना। इसमें भी आपको आगे हल नहीं करना, आपको सिर्फ पहले केस में अगर a1 बटे a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो ही हमें हल करना है। तो करते हैं, कैसे हल करना है समझाते हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है x माइनस तीन वाई, पहला क्या है, x माइनस तीन वाई माइनस तीन, एक्स माइनस तीन वाई माइनस तीन बराबर जीरो। और दूसरा है तीन एक्स माइनस नौ वाई माइनस दो बराबर जीरो। अब यहाँ पे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू क्या होंगे, तो जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है हमारा ए वन, ठीक है भाई। ये ए की लाइन है, ये बी, ये सी की, ए के ये दोनों हैं, बी के ये दोनों, सी के ये दोनों। तो ए वन यहाँ से हमारा आएगा एक, भाई एक्स का गुणांक एक, और ए टू हमारा यहाँ से आएगा तीन। उसके बाद b1 हमारा आएगा यहाँ से माइनस का तीन, और b2 आएगा माइनस का नौ। इसी तरह से c1 हमारा आएगा माइनस का तीन, और c2 आएगा माइनस का दो। तो अब क्या पूछा गया है, a1 बटे a2 हम निकालते हैं पहले। a1 बटे a2 यानी कि एक बटे तीन, एक बटे तीन किसके बराबर है, बराबर है, पहले हम निकालते हैं ए वन बटे ए टू। तो ए वन बटे ए टू हमारा आ गया एक बटे तीन। अब निकालते हैं हम बी वन बटे बी टू, तो बी वन बटे बी टू यानी कि माइनस तीन बटे माइनस का नौ, तीन कंती तीन तिया नौ, ठीक है। तो ए वन बटे ए टू जो है बी वन बटे बी टू के बराबर आ गया। अब निकालते हैं हम सी वन बटे सी टू, तो सी वन बटे सी टू आ गया माइनस तीन बटे माइनस दो। तो ए वन हमारा क्या आंसर आया, ए वन बटे ए टू बराबर है b1 बटे b2 के, और वो बराबर नहीं है तीन बटे वो c1 बटे c2 के, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं है। तो कौन सी कंडीशन होगी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो लिख देंगे हम, तो युग्म का कोई हल नहीं है। अतः युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहला पार्ट हमारा ये पूरा हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक इसी तरह से हम a1 a2 निकालते हैं, तो हम निकालेंगे a1 बटे a2 बराबर कितना है, ये है 2 बटे 3। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा बराबर के इधर जीरो ले आओ, ठीक है, दो एक्स प्लस वाई, ये प्लस का पाँच इधर आगे माइनस का पाँच बराबर जीरो, तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस का आठ बराबर जीरो, ठीक है, समीकरण एक समीकरण दो मान सकते हैं इसको। तो बराबर हमें इधर लेके आना है, ठीक है, बराबर के इधर जीरो लेकर आना है। अब ए वन बटे ए टू हमारा आ गया यहाँ से दो बटे तीन, बी वन बटे बी टू आएगा यहाँ से एक बटे दो, और सी वन बटे सी टू यहाँ से आएगा माइनस का पाँच बटे माइनस का आठ, यानी कि ए वन बटे ए टू वो बराबर है बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं है, क्योंकि ए वन बटे ए टू क्या दो बटे तीन, और बी वन बटे बी टू क्या एक बटे दो, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, तो हम लिख देंगे अतः
अतः इस युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होता तो हम इसको हल करेंगे, ठीक है, वज्रगुणन विधि से। तो करते हैं इसको वज्रगुणन विधि से हल करने पर, लिखते हैं हम इसको। वज्रगुणन विधि से हल करने पर, अब कैसे इसको हल करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे x बटे बराबर में माइनस का y बटे बराबर में 1 बटे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को छिपा लेंगे, ठीक है, हमने ये लिख लिया ना, तो हम x के नीचे लिखेंगे। तो x को छिपा लो, यहाँ क्या बचेगा, जो भी गुणांक है उनकी गुणा कर दो भाई, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर माइनस आठ है, एक की माइनस आठ से गुणा करेंगे, एक गुणा माइनस का आठ। अब लगाएंगे हम माइनस, ठीक है, सब में लगे गए। अब हमने x छुपाया ना, अब दो की माइनस पाँच से, इसकी इससे हो गई, इसकी इससे करेंगे, दो की करेंगे माइनस पाँच से, दो गुणा माइनस का पाँच बराबर ऐसे। यहाँ पे अब हम y को छिपा लेंगे, y छिपा लिया हमने, आपको क्या मिला, दो गुणा माइनस आठ, ऐसे क्रॉस, ऐसे करके, ऐसे करके। तो y छिपा लिया, दो गुणा माइनस आठ, अब माइनस लगाएंगे, उसके बाद तीन गुणा माइनस पाँच बराबर एक बटे। अब हम अचर पद छिपा लेंगे, ये वाला कॉन्स्टेंट वाला, ठीक है। अब दो की दो में करेंगे, यहाँ पर दो गुणा दो, माइनस लगाएंगे, तीन गुणा एक, चार की गुणा में एक है, तीन गुणा एक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स बटे एक अट्ठे माइनस का आठ प्लस दो पंजे दस, माइनस माइनस प्लस हो गए बराबर, माइनस वाई बटे दो अट्ठे सोलह प्लस तीन पंजे पंद्रह बराबर एक बटे दो दूनी चार माइनस तीन, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको हम, एक्स बटे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बटे दो, और माइनस वाई बटे माइनस एक हो जाएगा। तो हम करते हैं एक्स बटे दो, एक्स बटे दो बराबर माइनस वाई बटे माइनस का एक, ठीक है, ये हो गया एक्स बटे दो माइनस वाई बटे माइनस एक, और ये हो जाएगा एक बटे एक, एक बटे एक। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से x और y के मान निकाल लेंगे, कैसे भाई, इसके बराबर में इसको रख दो और इसके बराबर में भी इसको रख दो। तो पहले हम करते हैं पहले और तीसरे से, पहला और तीसरा से, तो x बटे दो बराबर तीसरा क्या है, एक बटे एक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई x एकन x बराबर दो एकन दो, x का मान ये आ गया। अब y के मान के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे से, ठीक है, दूसरा और तीसरे से माइनस वाई गुणा एक से करेंगे, तो माइनस वाई बराबर माइनस एक की गुणा एक से करेंगे, तो माइनस का एक, वाई से वाई कैंसिल, वाई बराबर एक आ गया। तो एक्स का मान दो आ जाएगा और वाई का मान एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने हैं, करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट क्या है, तीन एक्स माइनस पाँच वाई बराबर बीस, और छः एक्स माइनस दस वाई बराबर चालीस। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, ठीक है, बराबर के इधर प्लस लेके आना होता, जीरो लेके आना होता हमें। तो तीन एक्स माइनस पाँच वाई, ये प्लस का बीस है माइनस का बीस बराबर जीरो, छः एक्स माइनस दस वाई, ये प्लस का चालीस है माइनस का चालीस बराबर जीरो। तो इस तरह से इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे ए वन बटे ए टू करके, भाई इसके अद्वितीय हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो करते हैं इसका हम ए वन बटे ए टू, भाई ए वन ये है, ए टू ये है, बी वन ये है, बी टू ये है, सी वन ये है, सी टू ये है। तो हम करते हैं यहाँ पर ए वन बटे ए टू बराबर क्या है, तीन बटे छः बराबर एक बटे दो आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं बी वन बटे बी टू बराबर, भाई बी वन क्या है हमारा, माइनस पाँच बटे माइनस दस,
तो ये भी आ गया एक बटे दो। ठीक है, तीसरा क्या है, सी वन बटे सी टू, सी वन बटे सी टू, ये आ गया हमारा माइनस बीस बटे माइनस का चालीस, बी का बीस इस दूरी चालीस, तो एक बटे दो आ गया। तो ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे ए टू बराबर सी वन बटे सी टू आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। तो जब तीनों आ जाते हैं तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो लिख देंगे हम इसलिए इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको हल नहीं करेंगे, अगर अद्वितीय हल आता तो ही हम हल करते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पर, x माइनस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो, x माइनस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो, और दूसरा तीन एक्स माइनस तीन वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो। तो ये समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है। भाई बराबर की इधर जीरो पहले से ही है तो हमें दिक्कत की जरूरत नहीं है। हम करते हैं इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको जांच करते हैं। पहले हम ए वन बटे ए टू अगर बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं है तो ही ये हल होगा। तो हम करते हैं ए वन बटे ए टू बराबर क्या है, यह है एक बटे तीन, और बी वन बटे बी टू क्या है, बी माइनस तीन बटे माइनस तीन मतलब एक। ठीक है, तो ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के। ठीक है, तो एक बटे तीन एक के बराबर थोड़ा ही है, तो ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, इसलिए हम लिख देंगे इस युग्म के अद्वितीय हल है, इस युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब जब अद्वितीय हल होगा तो वज्रगुणन विधि से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे वज्रगुणन विधि से हल करने पर, तो वज्रगुणन विधि से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर x माइनस तीन वाई माइनस सात बराबर जीरो, तीन एक्स माइनस तीन वाई माइनस पंद्रह बराबर जीरो। ठीक है, अब हम इसको करते हैं वज्रगुणन विधि से, तो हम क्या करेंगे वही काम, x बटे बराबर में माइनस का y बटे बराबर में एक बटे। ठीक है, अब x तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स को छुपा लो, छुपा लिया हमने, यहाँ पर क्या माइनस तीन की गुणा माइनस पंद्रह से, इसकी इससे और इसकी इससे, तो माइनस तीन की गुणा माइनस पंद्रह से, माइनस तीन की गुणा माइनस पंद्रह से, फिर माइनस लगाएंगे, अब माइनस तीन की गुणा माइनस सात से, इसकी इससे कर दी, अब इसकी इससे करेंगे, माइनस तीन की गुणा माइनस सात से। अब वाई को छुपा लेंगे, वाई छुपा लिया, यह क्या है एक की गुणा माइनस पंद्रह से, एक की गुणा माइनस पंद्रह से, माइनस तीन की गुणा माइनस सात से, तीन गुणा माइनस सात बराबर एक बटे, अब इसको छुपा लें कॉन्स्टेंट वाले को, तो एक की गुणा माइनस तीन से, एक की गुणा माइनस तीन से, माइनस तीन की गुणा माइनस तीन से, तीन की गुणा माइनस तीन से, सही है। तो x बटे पंद्रहतिया पैंतालीस प्लस का हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस सातिया इक्कीस, माइनस माइनस प्लस में आ गई, बराबर माइनस का वाई बटे पंद्रह एकन पंद्रह माइनस सातिया इक्कीस, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर एक बटे माइनस तीन, तीन गन तीन और माइनस तीन तिया नौ, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब x बटे घटाओ इसको पाँच में से एक गए चार, चार में से दो गए दो चौबीस, बराबर माइनस का y बटे इक्कीस में से पाँच गए छः, बराबर एक बटे नौ में से तीन गए छः। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो पहले इन दोनों से, फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से क्या होगा, x बटे चौबीस बराबर थर्ड एक बटे छः, एक्स का मान निकालना है ना, तो x को इधर छोड़ो बाकी सब उधर ले जाओ, एक बटे छः है और चौबीस भाग में है, ये गुणा में हो जाएगा, तो छः चौके चौबीस, x बराबर आ गया यहाँ से चार, तो x का मान चार आ गया। अब सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से, सेकंड क्या है माइनस का y बटे छः बराबर एक बटे छः, छः से छः कैंसिल,
माइनस वाई बराबर एक, वाई बराबर माइनस का एक, तो y का मान माइनस एक आ गया और x का मान 4 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या बताया था मैंने, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसमें ही हम ऐसा रख देंगे और a और b के मान निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन काटते हैं दूसरे का। पहला, 2x+3y = 7। दूसरा है a - b (x) + a + b (y) = 3a + b - 2। तो पहले हम इसकी जांच करते हैं, पहले हम इसके निकालते हैं a1 बटे a2 क्या है, ठीक है। तो a1 बटे a2 निकाल लो भाई, a1 होता है 2x का गुणांक ऊपर वाला और a2 होता है नीचे x का गुणांक। तो हम निकालेंगे a1 बटे a2 बराबर क्या है, 2 बटे a - b। अच्छा, दूसरा b1 बटे b2 बराबर क्या है, 3 बटे a + b। तो इसमें क्या पूछा गया है, अब इसमें कहा गया है रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप निकाल सकते हो c1 बटे c2 भी। c1 बटे c2 क्या होगा, ये तो 7 बटे 3a + b - 2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 हमारा 2 बटे a - b, ये बराबर होगा 3 बटे a + b के, ये बराबर होगा 7 बटे 3a + b - 2 के। तो अब हम इनकी मदद से a और b के मान निकाल लेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट के बराबर में इसको रखेंगे और इसके बराबर में भी इसको रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 और 3 की मदद से, इसकी और इसकी मदद से एक हमारी समीकरण बन जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन में इसकी और इसकी मदद से हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगी और फिर उन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे तो a और b के मान आ जाएंगे। और उन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, इस पर कोई आपके डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम करते हैं मतलब 1 और फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारा, 2 बटे a - b बराबर 7 बटे 3a + b - 2। 2 बटे a - b बराबर 7 बटे 3a + b - 2, ठीक है, ये हो गया। और इधर हम करेंगे सेकंड और थर्ड से, आप इसको नीचे भी कर सकते हो। सेकंड क्या है, 3 बटे a + b, 3 बटे a + b और बराबर में 7 बटे 3a + b - 2। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इससे और बराबर में 7 की इससे। तो 2 की इससे करते हैं, 2 * 3 = 6a बराबर 2b - 2 * 4 बराबर 7a - 7b। तो 6a लिखा 2 * 3 प्लस, अब a के और b के एक तरफ ले आओ 6a और ये माइनस का 6 है। तो 6a - 7a + 2b + 7b और यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर में 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 7 गया माइनस का 1 है प्लस 2 और 7 = 9b = 4। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इससे। तो 3 * 9a + 3b - 3b - 3 * 6 = 7a + 7b। तो 9a - 7a इधर आ गए और ये प्लस का 3 भी है ना, तो ये प्लस का 7b, ये माइनस का 7b हो जाएगा और इधर आके 6 प्लस का हो जाएगा। तो 9 में 7 गए 2a - 7 में 3 गए
चार बी बराबर छः। अब पूरी समीकरण को दो से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस दो बी बराबर तीन। अब ये समीकरण नंबर दो हो गई। तो एक तथा दो को हल करने पर समीकरण एक तथा दो को हल करने पर, अब हम कोई सी भी विधि से इसे हल कर दो, ठीक है, माइनस ए प्लस नौ बी बराबर चार, हम करते हैं विलोपन से, ए माइनस दो बी बराबर तीन, ठीक है, माइनस ए से प्लस का ए कैंसिल, नौ में से दो गए, सात बी बराबर चार और तीन सात, तो बी बराबर सात बटे सात, सात एक सात, बी बराबर यहाँ से आ गया एक। अब इस बी के मान को समीकरण आप किस में रख दो, एक एक में रख दो, बी का मान समीकरण एक में रखने पर बी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है हमारे माइनस ए प्लस नौ बी बराबर चार, माइनस ए प्लस नौ बी बराबर चार, माइनस ए प्लस नौ गुणा एक बराबर चार, माइनस ए बराबर चार, नौ एकन नौ, तो माइनस ए बराबर ये आ गया आपका पाँच, तो ए बराबर पाँच यहाँ से आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर पाँच आ गया और यहाँ से बी बराबर एक आ गया, तो यही हमारे जो हैं आंसर हैं। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, सेकंड पार्ट क्या कहा गया है, देखिए के किस मान के लिए निम्न दैहिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है के लिए हम क्या करते हैं, ए वन बटे ए टू जो है वो बराबर होता है बी वन बटे बी टू के, और वो बराबर नहीं होता है सी वन बटे सी टू के, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू के, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन लग जाएगी। तो हम पहले लिखते हैं इसको ए वन बटे ए टू के रूप में, इसका थर्ड सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट तीन एक्स प्लस वाई बराबर एक, तीन एक्स प्लस वाई बराबर एक, दूसरा है दो के माइनस वन, दो के माइनस वन, एक्स को ना एक्स के नीचे लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, प्लस एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा देख के, के माइनस वन वाई बराबर दो के प्लस वन, तो अब यहाँ से हम ए वन बटे ए टू निकालते हैं, ठीक है, ए वन बटे ए टू बराबर ये हो जाएगा तीन बटे दो के माइनस वन, और बी वन बटे बी टू बराबर क्या होगा एक बटे के माइनस वन, और ये सी वन बटे सी टू हो जाएगा तुम्हारा एक बटे दो के प्लस वन। तो प्रश्नानुसार युग्म का कोई हल नहीं है के लिए, ठीक है, प्रश्नानुसार युग्म के कोई हल ना होने के लिए, भाई ए वन बटे ए टू क्या होगा बराबर में होगा बी वन बटे बी टू के, और वो बराबर नहीं होगा सी वन बटे सी टू के, तो हम जो है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू करते हैं, तो दो बटे तीन बटे दो के माइनस वन बराबर बी वन बटे बी टू एक बटे के माइनस वन, तो यहाँ से हमारा आ गया तीन बटे दो के माइनस वन बराबर एक बटे के माइनस वन। अब इनकी हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तीन की के माइनस वन से, तीन की हम गुणा करें के माइनस वन से, और बराबर में एक की गुणा करेंगे दो के माइनस वन से, दो के माइनस वन से, तो यही आएगा, ठीक है, तीन के माइनस तीन कन तीन बराबर दो के माइनस वन। अब तीन के प्लस का दो के, ये माइनस का दो के हो गया बराबर माइनस का एक, ये प्लस का तीन। अब तीन में से दो गए बचा एक, यानी कि के बराबर तीन में से गए दो, तो के का मान जो है आपका दो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीन। तो इसका क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, यानी कि आपको जो है प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधि से हल करना है, उसके बाद आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगती है आपको वो बताना है। तो हम पहले इसको प्रतिस्थापन से करते हैं, उसके बाद हम वज्र गुणन से करते हैं। तो करते हैं हम पहले तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा, आठ एक्स प्लस पाँच वाई बराबर नौ, और तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर चार, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो। पहले हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन
विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण एक या दो से एक्स या वाई का मान निकाल कर समीकरण दो में रख देते हैं, वहाँ से हमारा एक मान निकल जाएगा और फिर उस मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हमारा दूसरा मान भी निकल जाता है। तो करते हैं हम इसको सॉल्व, पहले लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से आप एक्स का मान निकाल लो, आठ एक्स बराबर नौ माइनस पाँच वाई, ठीक है, नौ ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो गया, एक्स बराबर नौ माइनस पाँच वाई बटे में आठ, ये हो गया इसको समीकरण तीन मान लो। अब इस मान को समीकरण दो में रख दो, तो x का मान समीकरण दो में रखने पर x का मान समीकरण दो में रखने पर, अब समीकरण दो में मान रख देते हैं हमें, ठीक है, समीकरण दो क्या है, तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर चार, तो तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर चार और तीन गुणा x का मान नौ है माइनस पाँच वाई बटे आठ, तो नौ माइनस पाँच वाई बटे आठ प्लस दो वाई बराबर चार, ठीक है। अब इसी गुणा करेंगे, तीन सत्ताईस माइनस तीन पंजे पंद्रह वाई बटे आठ प्लस दो वाई बराबर चार, सत्ताईस माइनस पंद्रह इसके बटे में एक मान लो, अब आठ और एक का हम लेंगे एलसीएम, तो आठ आएगा, अब आठ से इसे भाग करेंगे, एक एक ही गुणा सत्ताईस माइनस पंद्रह वाई में या भाई प्लस एक से इसमें भाग करेंगे आठ और आठ दूनी सोलह वाई बराबर चार, अब सत्ताईस सोलह में से पंद्रह गए एक वाई बराबर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आठ चौक बत्तीस, तो y बराबर यहाँ से आ गया बत्तीस माइनस सत्ताईस, y बराबर यहाँ से आ गया आपका पाँच। अब इस y के मान को समीकरण नंबर तीन में रख दो, समीकरण नंबर तीन में, तो समीकरण तीन में y का मान रखने पर, समीकरण तीन में y का मान रखने पर, तो x बराबर 9 माइनस पाँच गुणा वाई है 5 बटे में 8, तो बराबर 9 माइनस पाँच पंजे 25 बटे 8, 25 में से 9 गए 16, तो माइनस का 16 बटे 8 और ये आ गया 8 दूनी 16, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2, तो x का मान आ गया हमारा माइनस का 2 और y का मान आ गया हमारा 5। तो ये हमारी होगी प्रतिस्थापना विधि से। अब सवाल में क्या कहा गया, क्वेश्चन में देखिए, सवाल में कहा गया है इसको प्रतिस्थापन से भी और वज्रगुणन दोनों विधि से हल कीजिए और आप किस विधि को अत्यधिक बढ़िया मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं, तो अब इसको हम वज्रगुणन से करते हैं, ठीक है। वज्रगुणन विधि, ठीक है, आठ एक्स प्लस वाई पाँच वाई माइनस नौ बराबर जीरो, तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, वही काम मैंने आपको बताया था, एक्स बटे बराबर माइनस का वाई बटे बराबर एक बटे, तो एक्स के लिए एक्स को छुपा लो, ठीक है, क्या बचा, पाँच के चार से और दो के नौ से, तो पाँच चौक माइनस बीस माइनस दो निम अट्ठारह और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे वाई को छुपा लो तो बचेगा आठ चौक बत्तीस माइनस का और तीन निम सत्ताईस माइनस का और माइनस माइनस प्लस का सत्ताईस, उसका दिए बचेगा तो क्या बचेगा, आठ दूनी सोलह माइनस पाँच दिया पंद्रह, तो एक्स बटे बीस में से अट्ठारह गए माइनस का दो बराबर माइनस वाई बटे माइनस का पाँच बराबर एक बटे वाई, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल एक। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे से, फर्स्ट और थर्ड से, तो क्या है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड है माइनस ओ एक्स बटे माइनस दो बराबर एक बटे एक, और दूसरा सेकंड और थर्ड से, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है वाई बटे पाँच बराबर एक बटे एक, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इकन एक्स बराबर दो इकन दो, ये आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इकन वाई बराबर पाँच इकन पाँच, तो एक्स का मान ही आ गया वाई का मान ही आ गया। तो आपको इनमें से कौन सी विधि सबसे अच्छी लगी बताइए, ये लगी प्रतिस्थापन या ये लगी विलोपन, भाई मुझे तो इसमें वो वज्रगुणन, मुझे तो इसमें वज्रगुणन विधि सबसे अच्छी लगी, तो मैं लिख दूंगा, अतः अतः हम
वज्र गुणन विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। अब आपको अगर प्रतिस्थापन अच्छी लगी है तो हम लिख सकते हैं अतः हम प्रतिस्थापन विधि को उपयुक्त मानते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन में फोर लैंग्वेज वाला है, देखिए क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास मतलब आप उसको बोलते हो इंग्लिश में हॉस्टल, यानी कि जहाँ पर छात्र पढ़ाई करके पढ़ाई करने के लिए रहते हैं कॉलेज में। तो मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, यानी कि एक भाग तो देना ही देना है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। यानी कि अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आपको देना ही देना चार्ज जो उन्होंने फिक्स कर रखा है, और दूसरी बात अगर आप भोजन लेते हो तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। भाई आपने अगर एक दिन भोजन लिया तो आपको इतने रुपये देने, दो दिन लिया तो इतने रुपये ले लें। जब एक विद्यार्थी ए को, कोई विद्यार्थी उसका नाम ए है, उसको 20 दिन भोजन करता है उसने, यानी कि 30 दिन में से 20 दिन उसने भोजन लिया महीने में, ठीक है, और उसने 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं उसको, यानी कि उसके रहने का खर्च प्लस 20 दिन का भोजन उसने करा तो उसको 1000 रुपये देने पड़े। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और उसको देने पड़े 1180 रुपये, यानी कि रहने के भी और खाने के भी। तो नियत व्यय मतलब उसका फिक्स चार्ज क्या है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या, ये बताना है। तो जो दिया होता है ना उसको मान लेते हैं, तो हम मानेंगे माना नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो नियत व्यय बराबर एक्स और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर वाई। तो हम लिखेंगे माना, कौन सा ये चौथा, चौथे का पहला, माना नियत व्यय बराबर एक्स तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर वाई रुपये। यानी कि एक दिन वो जो नियत व्यय है वो एक क्या है एक्स रुपये, और रोज भोजन का मूल्य एक दिन का क्या है वाई रुपये। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा ये कहा गया है कि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, यानी कि 20 दिन भोजन करता है, तो हमने 20 दिन भोजन का खर्च, 20 दिन भोजन का खर्च बराबर कितना हो गया भाई, एक दिन का वाई रुपये, 20 दिन का हो गया 20 वाई रुपये, ठीक है 20 वाई रुपये। और अब दूसरा, अब क्या बन जाए कंडीशन, भाई नियत व्यय कितना उसको एक्स रुपये, ठीक है, और उसने 20 दिन के भोजन के लिए कितने दिए 20 रुपये, ठीक है 20 वाई रुपये, तो कितना होगा उसका कुल 1000 रुपये उसको देने पड़े, 1000। तो समीकरण नंबर एक बन गई होगी, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या है कि भाई जो 26 दिन भोजन करता है जो बी छात्र है उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं, 26 दिन के भोजन का खर्च कितना होगा 26 वाई, ये सेकंड केस है हमारा। तो क्या होगा अब एक्स वो नियत चार्ज है और प्लस 26 दिन का खर्च बराबर कितना 1180, समीकरण नंबर दो बन गई। अब एक और दो को हल कर लो कोई सी भी विधि से, इसमें क्या लिखा गया है बीजगणितीय विधि से, तो बीजगणितीय विधि आपकी विलोपन वज्रगुणन और प्रतिस्थापन, तो हम इसको करते हैं विलोपन से, बहुत ईजी है विलोपन। तो एक दो को हल करने पर एक्स प्लस 20 बराबर 1000, दूसरी एक्स प्लस 26 वाई बराबर 1180, माइनस 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 घटाने पर, ठीक है एक्स एक्स कैंसिल, 20 में से 6 गए माइनस के 6 वाई बराबर 1180 में से 1000 गए तो कितने बचेंगे 180, यहाँ पर माइनस के ज़्यादा हैं माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 180 बटे 6 6 18, तो y बराबर जो है यहाँ से आ जाएगा आपका 130, यानी कि एक दिन के भोजन का खर्च जो है वो 130 रुपये है, ठीक है। अच्छा इस मान को रख दो समीकरण नंबर एक में, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक यानी कि x प्लस
बीस गुणा यह है ना एक्स प्लस बीस, वाई की जगह रख दो 130 बराबर 1000, तो एक्स प्लस 13 दूनी 26, 20 बराबर 1000। यहाँ पर 30 है ठीक है, तो 30 दूनी 600, तो एक्स बराबर 1000 माइनस 600, एक्स बराबर 400 रुपये, यानी जो उसका नियत व्यय है रहने का खर्च वो 400 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का खर्च जो है वो 30 रुपये है। तो हम लिख देंगे नियत व्यय बराबर, अतः नियत व्यय बराबर रुपए एक्स था ना 400 रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है, वाई रुपए था यानी कि 30 रुपये। अब आप इसको क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो ठीक है। क्या कहा गया था भाई, नियत व्यय है ठीक है एक्स रुपये, तो यहाँ पे हमारा आ गया एक्स कितना 400, मान लो 400, और उसने कहा कि 20 दिन भोजन लिया है, तो प्लस करेंगे 20 की 30 से गुणा, भाई 30 रुपये है तो 600, तो 4 और 6 1000 रुपये, उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। देखिए 1000 रुपये ही आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, इसके एक भिन्न 1/3 हो जाती है, इसमें कहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न क्या मानेंगे, एक्स बटे वाई, तो हम मानेंगे माना भिन्न बराबर एक्स बटे वाई। तो हम करते हैं इसको, माना भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, भाई जहाँ पर अंश जो है वो एक्स है और हर वाई है। अब कहा गया है वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश से 1 घटा दो ठीक है, और हर में कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना, तो हो जाती है वो 1/3 ठीक है फर्स्ट केस। सेकंड, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 3 की x से, 3x माइनस 3 बराबर वाई, 3x माइनस का वाई बराबर में 3, ये समीकरण 1 हो गई। अब सेकंड केस में क्या कहा गया है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि ऐसे लिखो और हर में 8 जोड़ दो, तो वह हो जाएगी 1/4। अब इसकी मल्टीप्लाई 4 की x से, 4x बराबर वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 को आप हल कर लीजिए और x और y के मान निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, तो माइनस या प्लस या माइनस इससे कैंसिल, 3 में से 4 गए माइनस का 1x ठीक है बराबर 8 में से 3 गए माइनस का 5, तो x से ये माइनस माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 5। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो ठीक है, या 1 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो 4 गुणा एक्स कितना है 5 माइनस वाई बराबर 8, इसमें रख दिया ये 4 5 20 माइनस वाई बराबर 8, माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20, माइनस वाई बराबर माइनस का 16, 20 में से 8 गए 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ गया 12, तो हमारे एक्स आ गया ये और वाई आ गया ये, तो लिख देंगे भिन्न बराबर 5/12, तो हमारी भिन्न जो है 5/12 आ गई। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं हम, हमारा सही है या गलत है, तो 3 की एक्स में गुणा करेंगे, तो एक्स कितना है हमारा, एक्स आया 5 3 5 15 और माइनस 12, 3 बराबर 3, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, क्या कहा गया देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी कि उसको एक टेस्ट हुआ उसको, उसमें उसको 40 अंक मिले, और जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि अगर उसने एक क्वेश्चन सही किया है ना तो उसको 3 अंक मिलेंगे, और उसका उत्तर गलत होने पर, अशुद्ध होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो वह 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अब भाई जो टेस्ट में क्वेश्चन होंगे भाई, जो उसने सही किए और जो उसने गलत किए, उन दोनों को मिला के ही होंगे ना भाई, कुछ तो गलत करेगा और कुछ सही करेगा। तो हम मानेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। थर्ड,
माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो प्रश्न अब क्या कहा गया है, देखिए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है, यानी कि 3x और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है, तो 3x भाई 3 और सही उत्तर का 1 और अशुद्ध अंक y, इस पर 1 कटौती की गई यानी कि 1y कटौती के लिए माइनस, और बराबर में कितने अंक मिलते हैं उसको, 40 अंक मिले, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि 4 अंक मिलते सही उत्तर पर, ठीक है, चलिए, और उस पर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो 2y बराबर, तो वह 50 अंक अर्जित करता, 50 अंक। अभी समीकरण 1 हो गई और इसको थोड़ा सिंपल कर लो, 2x माइनस वाई बराबर 25, इसको 2 से भाग कर लो, ये समीकरण 2 हो गई। अब 1 और 2 को हल कर लो, ये यहाँ पे माना सही प्रश्न है ना, इसको उत्तर कर लो, माना सही उत्तरों की संख्या, ठीक है, और सही गलत उत्तरों की संख्या, ठीक है भाई, प्रश्न तो गलत होगा नहीं, उत्तर ही गलत होगा ना, ठीक है। अब 1 और 2 को हम हल करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 25 और 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। अब माइनस प्लस माइनस ये विलोपन विधि से हल करने पर, इससे कैंसिल, 2 में से 3 गया माइनस का x बराबर, इसमें 40 गया ये माइनस का 15, x से माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 15। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 25, 2 गुणा x 15 माइनस वाई बराबर 25, माइनस का वाई बराबर 25 और 15 दूनी 30 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5, वाई बराबर आ गया 5। तो यहाँ से हमारा x 15 आ गया और y 5 आ गया, यानी कि सही उत्तरों की संख्या x है, यानी कि उसने 15 क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है, और उसने 5 क्वेश्चन गलत किए थे, तो हम लिख देंगे सही उत्तरों की संख्या बराबर, यहाँ पर क्या लिखा गया है, टेस्ट में कितने प्रश्न सही थे, ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः टेस्ट में कितने प्रश्न सही थे, x, यानी कि टेस्ट में जो है 15 प्रश्न सही थे, अतः टेस्ट में 15 प्रश्न सही थे, ये 15 उत्तर उसके सही थे। उसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, थोड़ा इससे अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब देखो विमाएँ ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं, विमाएँ इसकी लंबाई और चौड़ाई होती हैं, तो विमाएँ ज्ञात करनी, तो विमाएँ के लिए लंबाई और चौड़ाई को x और y मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई, फिफ्थ पार्ट है, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और माना आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, तब क्षेत्रफल क्या होगा, वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, xy हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है यदि हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें, ठीक है, यदि हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई को जो है 5 इकाई कम कर दो और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो, यानी कि लंबाई ये इसको 5 कम कर दिया और चौड़ाई वाई इसको 3 बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल जो है
वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल में से 9 कम कर दिया। अब गुणा करो इसकी, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 की, वाई में 5y माइनस 5 थी 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये बचेगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9 प्लस का 15। 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 का 6, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे इसके सेकंड केस में, ठीक है? सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। सेकंड में कहा गया है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि भाई लंबाई भी 3 इकाई बढ़ाओ और चौड़ाई को भी बढ़ाना है कितना 2, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जा वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल एक्स वाई बढ़ जाएगा 67। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के वाई से एक्स वाई प्लस एक्स के 2 से 2x प्लस 3y प्लस 3 × 2 = 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ बचेगा 61। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं, विलोपन से कर लेते हैं, किसी से भी कर लो आपकी इच्छा, ठीक है? तो एक समीकरण एक तथा दो को हल करने पर 3x माइनस 5y बराबर 6 है और 2x प्लस 3y बराबर 61 है। तो अभी कैसे करोगे इसको, इसको आप एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर लो, ठीक है, और इसको 3 से गुणा कर लो, ठीक है, सही है? तो 3 × 2 ये 1 थी और ये 2 थी, तो 3 × 2 = 6x माइनस 5 × 2 = 10y बराबर 6 × 2 = 12। इसको 3 से करेंगे, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 9y बराबर 61 दिया, 3 × 3 = 18। अब इसको घटाने पर माइनस 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 यहाँ लिखे, तो घटाने पर इससे कैंसिल, 10 और 9 19y माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1 और 18 में से 1 गए 17, तो यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 171/9, तो 19 में 171, तो y यहाँ से आ गया 9। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y 9 बराबर 6, 3x माइनस 5 × 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, 3x बराबर 51, x बराबर 51/3, ठीक है, 51/3 = 17, तो x यहाँ से आ गया 17 और y आया था आपका 9। तो विमाएं पूछी थी आपसे सवाल में, तो ये दोनों की विमाएं हैं, ठीक है? तो लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर 17 वर्ग इकाई, 17 इकाई, और चौड़ाई बराबर 9 इकाई, तो ये आपके आंसर हैं। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट रह गया है, ठीक है, ये वाला, और उससे नेक्स्ट में 3.6 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।